हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट्स ऑसम साइंस। आज हम करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जो नेक्स्ट पार्ट था वो रह गया था, उसके कुछ क्वेश्चंस। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन है ओव्यूलेशन इन द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब ओव्यूलेशन कब होता है, तो अगर आपको पता हो तो ओव्यूलेशन जो होगा वो हमेशा प्रोलिफरेटिव फेज के एंड में रहता है, राइट। नेक्स्ट है आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियल फॉलिकल रिप्रेसेस टू, मतलब ओव्यूलेशन के बाद अगर मैं बात करूँ तो ग्राफियल फॉलिकल किस में रिप्रेस हो जाता है, वो रिप्रेस हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर, राइट। आपने सुना भी होगा कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, और जब तक स्पर्म नहीं प्रेजेंट रहता, जब तक स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ये कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो बचा रहता है। बट अगर स्पर्म नहीं मिलता है तो कार्पस ल्यूटियम जो होगा वो डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है इमीडिएटली आफ्टर द ओव्यूलेशन द मैमेलियन एग इज़ कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन। कौन सी जो है लेयर वो मैमेलियन एग को यानी ओवम को कवर करके रखती है, तो जो कि है कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा इसके चारों तरफ, ओवम के चारों तरफ जो होती है कवरिंग रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज़ करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच्ड है। रिलीज ऑफ एग फिफ्थ डे, ठीक है जी। एंडोमेट्रियम जनरेट्स ऑन 5 to 10 डे। एंडोमेट्रियम सिक्रीट्स न्यूट्रिशन फॉर इम्प्लांटेशन 11 to 18 डे। राइस एंड प्रोजेस्ट्रॉन लेवल 1 to 15 डे, राइट। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो एंडोमेट्रियम जो रीजनरेट करती है बेसिकली 5 to 10 डेज में, तो ये जो है ये करेक्टली मैच है, बाकी के सारे इनकरेक्टली मैच रहेंगे। इसके बाद है इफ़ द मैमेलियन ओवम फेल्स टू गेट फर्टिलाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अनलाइकली। अगर मैमेलियन ओवम यानी ह्यूमन ओवम जो है, यहाँ पे सारे मैमल्स की बात की गई है, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, प्रोजेस्ट्रॉन सेक्रीशन एकदम से कम हो जाएगा, एस्ट्रोजन सेक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा, प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट डेवलपिंग। अगर मैं बात करूँ तो एस्ट्रोजन बहुत जल्दी बढ़ने लगेगा क्योंकि दैट प्रमोट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट। उसके बाद ह्यूमन फीमेल रीचेस मेनोपोज, कब पहुंचती है ये आपको पता है, 50 साल में एक ह्यूमन जो फीमेल है वो मेनोपोज तक पहुंच जाती है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। रिएक्शन ऑफ ग्रैन्यूल कंटेंट विच हार्डन द ज़ोना पेल्यूसिडा, राइट, एंड इंश्योर टू पॉलीस्पर्मी। अगर मैं बात करूँ ऐसी रिएक्शन की, जस्ट अ मिनट, अगर मैं बात करूँ ऐसी रिएक्शन की जिसके अंदर ज़ोना पेल्यूसिडा हार्ड हो जाती है और वो पॉलीस्पर्मी को प्रमोट करती है। पॉलीस्पर्मी यानी बहुत सारे जो रहेंगे स्पर्म फ्यूज कर सकते हैं, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड कॉर्टिकल रिएक्शन। ठीक है जी। विच पार्ट ऑफ द स्पर्म प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पेनिट्रेटिंग द एग मेम्ब्रेन। तो आपको पता है जो एक्रोसोम होता है स्पर्म के ऊपर जो ऐसे टिप होती है, उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रहते हैं जो कि एग की वॉल को तोड़ने के लिए हेल्पफुल रहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो है इन oocyte सेकेंडरी मैच्योरेशन अकर। सेकेंडरी मैच्योरेशन कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही रहती है। बिसाइड्स एक्टिवेटिंग द एग अनदर रोल ऑफ स्पर्म इज टू कैरी, देखो इन्होंने पूछा है कि बिसाइड एक्टिवेटिंग द एग अनदर रोल ऑफ स्पर्म, एक तो आपको पता फर्टिलाइजेशन, और क्या कैरी करता है, ऑब्वियसली जो डीएनए होते हैं वो 1 जनरेशन से अनदर जनरेशन तक पहुंच जाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म बिफोर पेनिट्रेशन ऑफ ओवम, अगर पहले वो प्रिपरेशन जब वो ओवम में स्पर्म नहीं पहुंचा है उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन, राइट। यानी पहले स्पर्मैटिड्स रहते हैं, स्पर्मैटिड से स्पर्म बन जाते हैं, तो उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन बोला जाता है। स्पर्मिएशन इज़ अ प्रोसेस इन द रिलीज ऑफ, आप सबको पता है कि जो रिलीज मतलब जब स्पर्म्स रिलीज होते हैं तो वो कहाँ से रिलीज होते हैं, वास डिफोन से, राइट। सॉरी, सेमिनिफेरस से। सेमिनिफेरस इज द राइट आंसर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। Mature graphene follicle is generally present in the ovary of a healthy female around. Mature graphene follicle कब आपको मिलेंगे, 5 to 8 days of menstrual cycle पे, 11 to 17, 18 to 23, 24 to 28। सो जो correct answer इसका रहेगा वो रहने वाला है आपका 11 to 17 days of menstrual cycle। एक्रोसोमल रिएक्शन मैंने आपको बता दिया था, जैसे ही ज़ोना पेल्यूसिडा कंटैक्ट में आती है स्पर्म के साथ, स्पर्म के एक्रोसोम पार्ट के साथ, वो उसको डिसॉल्व कर देता है यानी फ्यूज़ कर देता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेल एक्सेसरी ग्लैंड, देखो अगर मैं बात करूँ तो एम्प्यूला इज़ अ पार्ट ऑफ मैमरी ग्लैंड, नॉट अ पार्ट ऑफ मेल एक्सेसरी ग्लैंड। बाकी सारे आप देख सकते हैं, बाकी सारे के सारे मेल पार्ट से रिलेट करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ 23 क्रोमोसोम, अगर मैं बात करूँ 23 क्रोमोसोम की, तो यहाँ पर आपका रहेगा सेकेंडरी oocyte, जाइगोट भी डिप्लॉयड है, स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉयड है, ओगोनिया भी डिप्लॉयड है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रीटेड बाय प्लेसेंटा, प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन सिक्रीट नहीं कर सकता यानी नहीं कर पाता, राइट। तो आप देखिए HCG, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, LH, तो जो करेक्ट आंसर रहेगा वो LH रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉज डिफोन्स रिसीव डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज, जो वास डिफोन है वो सेमिनल वेसिकल्स से स्टार्ट होकर यूरेथ्रा तक पहुंचती है, यानी एक कॉमन ओपनिंग जिससे यूरिन रिलीज आउट होता है, दैट इज कॉल्ड इजैक्युलेटरी डक्ट। इसी वजह से इसे इजैक्युलेटरी डक्ट बोलते हैं क्योंकि ये इट्स अ कॉमन ओपनिंग फॉर रिलीजिंग सेमिन एज वेल एज यूरिन, राइट। यूरेथ्रल मीटस क्या है, यूरेथ्रल मीटस इज अ पार्ट, ठीक है, एक ऐसी ओपनिंग है जो कि आप ये बोल सकते हैं वास डिफेंस को यूरेथ्रा तक पहुंचाती है, और आप ये भी बोल सकते हैं इट्स अ ओपनिंग थ्रू विच यूरिन रिलीज आउट, राइट। नेक्स्ट जो रहेगा आपका एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरिनोजेनिटल डक्ट आप बोल सकते हैं। मोरूला क्या है, मोरूला आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है, तो मोरूला एक स्टेज है जो कि रहेगी आपकी जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट की बीच वाली स्टेज। नेक्स्ट है द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम एट द ओव्यूलेशन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, कोरोना रेडिएटा ओवम की चारों तरफ की लेयर रहती है। आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट, अगर ऑड वन आउट की बात करें तो अगर आप इन चारों को अच्छी तरह देखें तो इसके अंदर जो लेबिया मेनोरा है इट्स अ पार्ट ऑफ फीमेल वेजाइना आप बोल सकते हैं, राइट, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फिम्ब्रे, इन्फेंडिबुलम, इस्थिमस, दीज आर द पार्ट्स ऑफ ओविडक्ट। तो ऑड कौन सा हो गया हमारे पास, लेबिया माइनोरा हो गया, राइट। और अगर आपकी बात करें स्क्रॉटम की, तो आपको पता है टेस्टिस के अंदर 2 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से कम रहता है, सो दैट स्पर्म्स की फॉर्मेशन हो सके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द मेमिलियन टेस्टिस, तो अगर इसकी बात करें तो ग्राफिन फॉलिकल, सर्टोली सेल, लिडिक सेल। अगर मैं बात करूं इसमें तो सर्टोली सेल्स रहते हैं, सर्टोली सेल्स नरिशमेंट देते हैं किसको, स्पर्म को, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड लिडिक सेल्स। सो दीज आर द सेल्स जो कि एक करेक्ट सीक्वेंस रहेगा मेमिलियन टेस्टिस का, यानी मैमल्स में आपके ये जो रहेंगे ये प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूट्रेटिव सेल, ये मैंने अभी बताया आपको, नरिशमेंट देने के लिए सर्टोली सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। सर्टोली सेल को कौन रेगुलेट करता है, LH, FSH, प्रोलेक्टिन, तो जो FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो सर्टोली सेल को रेगुलेट करता है, यानी नरिशमेंट देने का काम करता है। हेड ऑफ द एपिडेडमिस एट द हेड ऑफ द टेस्टिस इज कॉल्ड कैप्यूट एपिडेडमिस, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये आपने बुक में भी नहीं पढ़ा होगा। जो हेड रहेगा एपिडेडमिस का, एपिडेडमिस आपने ऐसे देखी होगी कॉइल्ड स्ट्रक्चर, राइट, जो कि वास डिफोन्स के साथ रहती है, तो जो उसका हेड रहेगा दैट इज कैप्यूट एपिडेडमिस। सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन, अगर मैं बात करूँ तो वो किस में रिच होती है, वो फ्रक्टोज में रिच होती है, कैल्शियम में एंड सर्टेन एंजाइम्स में, क्योंकि उसको एनर्जी देनी होती है किसको, स्पर्म को, सो दैट इट कैन फ्लो ईजीली इनसाइड द रिप्रोडक्टिव कैनाल और बर्थ कैनाल ऑफ द फीमेल। प्रोस्टेट ग्लैंड्स आर लोकेटेड, कहाँ पर लोकेटेड होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स, बल्बोयूरेथ्रल लोकेटेड बिलो, सॉरी, किसके नीचे होते हैं, गबर्नाक्यूलम, एपिडेडमिस, सेमिनल वेसिकल, बल्बोयूरेथ्रल, तो इट्स ईजी वन जो कि है सेमिनल वेसिकल्स। आपको साथ साथ आंसर्स में मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, हिट द लाइक बटन, राइट। क्वेश्चन नंबर 30 ये बोलता है द फंक्शन ऑफ सेक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इज, तो क्या काम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, तो अगर मैं बात करूँ प्रोस्टेट ग्लैंड का काम रहता है स्टिमुलेट दिस, इट इज नन ऑफ दीज, इनहिबिट स्पर्म एक्टिविटी, अट्रैक्ट स्पर्म, और नन ऑफ दीज, तो अगर हम बात करें तो स्टिमुलेट द स्पर्म एक्टिविटी, स्पर्म की एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर देता है। लोअर नैरो एंड ऑफ द यूट्रस, अगर आपने यूट्रस का लोअर नैरो एंड देखा है दिस वन, राइट, सो दिस इज बेसिकली इन द डायग्राम, ये आपने अगर बनाया हो तो द लोअर एंड नैरो एंड को बोलते हैं सर्विक्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरोथिलियन ग्लैंड्स आर सिचुएटेड, बैरोथिलियन ग्लैंड्स कहाँ होते हैं, इट इज प्रेजेंट ऑन द ईदर साइड ऑफ वजाइना इन humans, right, on the either sides of vagina means या तो left में हो सकते हैं या right side में हो सकते हैं, that this these are the Barthelian glands. In human adult female oxytocin क्या करते हैं आपको पता है कि ये यूटराइन कंट्रैक्शंस को बढ़ा देती है। यानी जब डिलीवरी होने वाली होती है, पार्चुरेशन होने वाली होती है, उस टाइम पर ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होता है और वो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 34वां क्वेश्चन, द थर्ड स्टेज ऑफ पार्चुरेशन इज कॉल्ड आफ्टर बर्थ। इन दिस स्टेज कौन क्या होता है इस स्टेज में, द थर्ड स्टेज ऑफ पार्चुरेशन। तो आप ये कह सकते हैं कि इस टाइम पे प्लेसेंटा जो होगा वो एक्सपेल आउट हो जाएगा, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर द बर्थ कोलेस्ट्रम इज रिलीज्ड। तो अब ये कोलेस्ट्रम क्या है, जो मेमरी ग्लैंड्स है जो ब्रेस्ट है फीमेल के। तो जो एक लेडी प्रेग्नेंट रहती है तो इसका जो मिल्क होता है बहुत ही न्यूट्रिशियस माना जाता है। तो कोलेस्ट्रम में ऐसा क्या रहता है, प्रोटीन एंड लो फैट, प्रोटीन एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ तो होंगी, दैट्स वाई, राइट। तो आप ये बोल सकते हैं कि प्रोटीन एंटीबॉडीज़ जो उसे बीमारियों से बचाएगी, प्रोटीन एंटीबॉडीज़ and low in fat. So these are some questions, 35 questions रहेंगे ये human reproduction chapter से related। इसके कुछ questions जो हैं पहले part में upload हो चुके हैं, आप उसे भी जाकर checkout कर सकते हैं। I hope आपको video अच्छी लगी होगी, questions समझ में आए होंगे। अगर questions अच्छे लगे तो please चैनल को like कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching।